देलोड़ा गांव जिनमें विभिन्न जातियां व विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनमें से एक मुस्लिम समुदाय जिनके लगभग 150 परिवार देलोड़ा में रहते हैं, परंतु इस समाज का एक सार्वजनिक स्थान कब्रिस्तान जो कि लगभग 200-300 साल पुराना है। ये कब्रिस्तान देलोड़ा ग्राम पंचायत के आड़ा तालाब के पास स्थित है। वहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर चारों तरफ पक्की दीवार है और ना ही वहाँ पर सामुदायिक भवन बना हुआ है। दूर से देखने पर यह किसी भी नज़रिए से कब्रिस्तान जैसा नहीं दिखाई देता। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी पेड़ उभरे हैं, यही कब्रिस्तान है देलवाड़ा का, और इसकी माली हालत आप अपने वीडियो में खुद ही देख सकते हैं कि बयान कर रही है। ये झाड़ फनूस ये सारा है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी पेड़ फिसलता है या चूकते हैं तो कोई भी व्यक्ति पानी में गिर सकता है। यहाँ पर ये जैसे आम रास्ता बना हुआ, ये सारी कब्रें हैं जो आगे की तरफ निकलती है। लोगों ने इसको एक आम रास्ता बना दिया है, और जो लोग यहाँ से अपने मवेशी और जानवर लेके जाते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं, जिससे उनके गोबर मलमूत्र और कब्रों को नुकसान पहुँचाने का काम वो जानवर करते हैं। उनके संरक्षण से संबंधित ना तो कोई सरकार की तरफ से ना कोई पंचायत की तरफ से अभी तक माकूल इंतजाम किए गए हैं। पैसा कितने आए, कहाँ खर्च हुए, कोई हाईवे का आज दिन तक हमने कितनी बार पूछा है पंचायत में, लेकिन आज दिन तक हाईवे का ब्यौरा नहीं दिया गया। और ना ही सूचना अधिकार के तहत भी हमने RTI के तहत भी हमने जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन आज दिन तक हमको ये जानकारी भी नहीं मिली। एक स्थानीय नेता द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उसमें वो JCP चलाई और परिवहन के नाम से मतलब उस पैसा उठा लिया गया, और आज हमारा कब्रिस्तान जैसा पहले था उससे भी मतलब बदतर हालत हो गई है। जब विभिन्न टाइम पर जब हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं तब हमें हमारे लिए ना तो वहां पर मुर्दे को रखने के लिए कोई उपयुक्त स्थान है, ना वहां पर कोई लाइटिंग का व्यवस्था है। अतः हम चाहते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, उसको सुरक्षित किया जाए। कब्रिस्तान का संपूर्ण विकास नहीं होने के कारण कई बार यहाँ पर नरभक्षी जानवर आकर शवों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिन कारण मुस्लिम समाज के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं यहाँ के जिला कलेक्टर व स्थानीय पंचायत से निवेदन करता हूँ कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान का विकास करने में इन लोगों की मदद करें। मैं शंभुराज तंवर, राजस्थान के राजसमंद जिले के देलोड़ा गाँव के मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान से, इंडिया अनहट के लिए।